बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, की हाल है? उम्मीद है कि तुम खैरियत होवोगे। अल्लाह ताला जिंदगी तंदुरुस्ती देवे। ते अज मैं लै के आई हाँ कद्दू शरीफ का कोफ्ते। ते रेसिपी शुरू करने तो पहले मेरे चैनल सबसक्राइब कर दो, लाइक कर दो, बैल आइकन का बटन दबा के शेयर लाजमी करो जी। तो अज बड़ी मज़ेदार रेसिपी होने वाली है, स्किप नहीं करना, इन सारा देखना है, तो ट्राई भी लाजमी करो, तुम्हें बहुत मज़ा आएगा। चलो शुरू कर लें। कद्दू शरीफ का अच्छी तरह छिलका उत्तों उतारना, अच्छी तरह छिलना है इनू। ये थोड़ा जहा मोटा छिलका उतारना पेगा। तो तीन दिन कद्दू शरीफ लेने, तो ये बहुत अच्छी रेसिपी बनने वाली है। तुसी इनू स्किप नहीं बिल्कुल भी करना, मेरे चैनल नू सारा देखना मेरे इस ब्लॉग नू। तो बहुत अच्छे ये कोफ्ते बनेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म नाल। लो जी कद्दू शरीफ तो साढ़े गए जी छिले। इन्होंने छिलन तो बाद मैं इन्हों अच्छी तरह वाश करने वाली हाँ। वाश करने तो बाद फिर तुम अगला दसने स्टैप क्यों की करना। मैं हूँ इन अच्छी तरह वाश कर ला, मल मल के करना इन वाश के, जोड़ा उपर सारा कोई योद लगा हुआ वो सारा उतर जाए। किन्ने नीट हो गए हूँ। इन्हों मैं ये मूली कंडे देना कद्दूकश कर लेना। ये ना थोड़े बी ने सख्त, असी जो सख्त बी ने ना वो असी इस्तेमाल नहीं करने। अगर नरम बीज होंगे ना वो जरूर इस्तेमाल हो सकते, जो थोड़े हार्ड होंगे ने सख्त होंगे ने वो इस्तेमाल नहीं हो सकते, कि बाद परेशानी होएगी उन्होंने वजह तो। देखो जो मोटे मोटे बीज ने ये मैं साइड पर कट देवगी। जो बीज ने मैं उन्होंने बच्चों तो कट देवगी, क्योंकि ये सख्त बीज ने इसलिए से इन कट देवे। लो जी साढ़ा कद्दूकश हो गया कंप्लीट, सारे कद्दू असी मूलीकश कर ले ने। मैं हूँ इन्हें जो नचोड़ के अच्छी तरह पानी कड़ लाँगी, कम से कम ये दो तीन बारी जड़ा ना इस पानी नचोड़िया जाना ता ये होंगे ने सही। प्याज ज़्यादा नहीं पाने, सिर्फ छोटा प्याज एक ही मैं पाया, ज़्यादा नहीं पाया क्योंकि पानी छड़दा प्याज। जीरा पाया बिच एक चम्मच, वो बना लीजिए जूस तेरे सामने ही जी। हल्दी हाफ चम्मच है, अच्छा रेड मिर्च एक चम्मच, नमक बाद पाना, चल बंद कर। सुखा धनिया हाथ से अच्छी तरह मल के अनारदाना जेड़ा भी वो तुसी डेढ़ चम्मच पा दो, क्योंकि उसका अपना ही जायका अपना ही टेस्ट होता है। नहीं बहुत अच्छा लगेगा और दूसरा शापर सी। सुखा धनिया दा चल बंद कर। एक कटोरी बेसन दी छान के अच्छी तरह वो मैं पाती हूँ। इन अच्छी तरह ना मलना, में इस पानी की जरूरत नहीं पैनी, क्योंकि कद्दू च भी पानी होंगे प्याज भी पानी होंगे, इसलिए पानी मैं तो इस्तेमाल नहीं करांगी।
अगर तुसी बेसन ज़्यादा इस्तेमाल करे तुहानू जरूरत पवे तो तुसी विच पानी ऐड कर लेना, मगर मैं नॉर्मली बेसन पाया इसलिए मैं जरूरत नहीं पई पानी ऐड करन दी। मैं गोल गोल बना लेना कोफ्ते, डेढ़ कप विच ऑयल पाना तो ऑयल पा लो, घ्यो पाना तो घ्यो पा लो, जो फुल गर्म हो जाए ना उदो विच कोफ्ते पा देने। इन्हां दोनों साइडां तो अच्छी तरह सेकना, इन्हां गोल्डन कर, देख रहे किन्ने प्यारे लग रहे। दस दोनों जनों दे आने ते इस तरह बारी बारी मैं सारे कोफ्ते जिहड़े ना उह तल लैणे ने। थोड़ा उच्चा रख बो ते तले ना मखा। कोफ्ते मेरे सारे तले गए ने, फ्राई हो गए ने, उत्ते ना बिल्कुल चूल्हे ते रखे। ओ विचो मैं ऑयल काढ लिया वे, है जिन्नी की जरूरत बस उन्ना ही रख लिया। बकाया मैं घ्यो विचो काढ लिया, हुण इहदे विच इक नॉर्मल साइज़ दा प्याज ते एक चम्मच थूम ते अदरक ओ पा के हुण अच्छी तरह फ्राई करना। जो तीन चीज़ा फ्राई हो जाए खुशबू आनी शुरू हो जाए इन चीज़ टमाटर पा के थोड़ा जहा पानी लगा के इन्हों फिर एक काल देना अच्छी तरह जो गल जाने। नमक सबे जायका हाफ चम्मच लाल मिर्च क्योंकि असी कोफ्तियां जी मिर्चा पाई हुई हैं, हल्दी चौथा हिस्सा चम्मच का। मसाला तैयार हो गया, हुण इहदे विच फ्राई हुए कोफ्ते पा के इहनू अच्छी तरह विच हल करना। ऐन टूट नहीं सकते, अच्छी तरह ये फ्राई हो चुके ने ना, इन्हें टुटणगे नहीं। हुण इस मसाले दे विच इहनू ना असी एक मिनट की भुनाई करनी है कि अच्छी तरह विच जसब हो जाए। बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छे लग रहे माशाल्लाह। बिल्कुल भी बेसन का या किसी चीज़ का कोई कच्चा पन नहीं ये रह गया, इन्ने अच्छे तरीके ने मैं बनाए ने। फ्लेम बिल्कुल लो करके एक कटोरी में पानी ऐड करके जेडे असी चार हिस्सों च मिर्चा कटिया सी वो उत्ते छिड़क देने। वो छिड़कन तो बाद धनिया पा देंगे, धनिया पाने तो बाद ये ढक्कन दे के ना कम से कम 5 मिनट लिए लो फ्लेम पर रखना। लो ही साढ़े हो गए 5 मिनट कंप्लीट माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। हम मैं डिश आउट कर लवा। सुबहान अल्लाह अलहमदुल्ला, मेरे अल्लाह का शुक्र है जिन्हें जायका दर बरकत दी साढ़े खाने जे साढ़े रिजक च, वो शान तो सदके कुरबान जावा। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੋਗ ਹੋ ਗਿਆ ਖਤਮ। ਆਪਣੇ ਆਪਾਂ ਬਾਨੋ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।